गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ रेडियल इक्वेशन। हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख रहे थे, उसके अंदर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा था, साई आर थीटा फाई। तो यहाँ पर जो हमारा साई था, आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन था, तो साई को दो फंक्शंस में हमने डिवाइड किया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। एक तो हमारा क्या था आर आर और एक था वाई थीटा फाई। तो जो आर डिपेंडेंट पार्ट है इसे रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और ये हमारी एंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि ये एंगुलर हमारा फंक्शन है, एंगल्स पर डिपेंडेंट है और ये हमारा रेडियल पार्ट है। तो जो y थीटा फाई होता है इसके जो सॉल्यूशन आते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाते हैं और इन स्फेरिकल हार्मोनिक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सोल्व किया था। y थीटा फाई के अलग अलग मान हमने निकाले थे, y 0 0, y 1 0, y 1 प्लस माइनस 1 आदि हमने ज्ञात किए थे। ये हमारा y थीटा फाई के सॉल्यूशन आए थे। आगे की कुछ वैल्यू जो लेजेंडर पॉलिनोमियल है वो मैं आपको लिखवा दूंगी, फिर आप लिख के देख लेना एक बार आगे जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे उनको। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना ली थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम लोग आर के मान को ज्ञात करेंगे, यानी हम रेडियल इक्वेशन के सोल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद में जब हमारे पास में रेडियल सॉल्यूशन भी आ जाएंगे तब क्या आएगा, अपना कंप्लीट जो साई आर थीटा फाई है वो हमारे पास आएगा, यानी जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम जो कि हम हाइड्रोजन एटम लेंगे, हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन हमारे पास में आएंगे साई एन एल एम, जहां पर हमारे एन एल एम क्या है, क्वांटम नंबर्स हैं। और हाइड्रोजन एटम के लिए कंप्लीट वेव फंक्शन हमको मिलेगा जब हम आर और वाई थीटा फाई दोनों की वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, और यहां पर जो आर होगा वो एन और एल डिपेंडेंट होगा, वाई थीटा फाई हमारा एम और एल डिपेंडेंट था। ठीक है, तो साई एन एल एम की वैल्यूज हम ज्ञात करेंगे और हाइड्रोजन एटम की एनर्जी आइगन वैल्यूज को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम पहले y थीटा फाई को हम सोल्व कर चुके हैं और अब हम क्या करते हैं, इसके रेडियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, परमाणु के लिए त्रिज्य समीकरण ठीक है, रेडियल इक्वेशन हमें निम्न प्राप्त होती है, निम्न प्राप्त होती है। तो ये हमारी इक्वेशन है रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस रेडियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए, सोल्व करने के लिए हम कुछ एजम्पशन लेंगे और एक नए वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो हम लिखते हैं उपरोक्त समीकरण को हल करने के लिए, ये हमारे पास में कैसे आई थी, जब हमने साई को आर और वाई थीटा फाई में डिवाइड किया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, तो वहां पर हमने एल इंटू एल प्लस वन के इक्वल हमने इसको रखा था रेडियल पार्ट को और फिर हमारे पास में ये इक्वेशन आई थी। तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण को हल करने के लिए माना
स्क्वायर इक्वल टू 8mE अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू 2m जेड के ई स्क्वायर 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये दो वैल्यूज हम मान रहे हैं, यहां पर दो कांस्टेंट है, 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8me अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, तथा इसको लिखने से पहले ये वाले लिख लेना एक बार कि चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाउंड स्टेट में होगा, बद्ध अवस्था में होता है, अतः ऊर्जा या उसकी ऊर्जा बाउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, लेस देन जीरो, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, इज लेस देन जीरो होगी, तथा और वी आर का मान क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो यहां पर के क्यू स्क्वायर की जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में आ जाएंगे अपने पास में, के ई स्क्वायर अपॉन आर, और साथ में जेड अपने पास में यहां पर आता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू वन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब जो भी हमने वैल्यूज मानी है ये सारी हम इक्वेशन वन में रखेंगे, ठीक है, तो यहां तक लिख लें इसको, तो ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन वन में रखते हैं, तो पहले हम यहां से मान रखते हैं इसके अंदर E इज लेस देन जीरो और वी आर इक्वल टू माइनस का के ई स्क्वायर अपॉन आर, ई इज लेस देन जीरो है तो इसे हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस का मोड ऑफ ई, ठीक है, तो पहले इन वैल्यूज को हम इसमें रख रहे हैं, तो इसके बाद में हम लिख देंगे समीकरण एक से वन अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये हमारा डेल बाय डेल आर, तो आर स्क्वायर डेल आर बाय डेल आर है और बाहर डेल बाय डेल आर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यू डॉट वी से सोल्व करें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल आर टू प्लस आर स्क्वायर को हमने किया तो 2R डेल R अपॉन डेल R प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और E की जगह हम क्या रखेंगे अब माइनस E रखेंगे 2me अपॉन एच कट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 2mv अपॉन एच कट स्क्वायर होगी और ऑलरेडी यहां पर भी एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2m के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर आर माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर आर इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब लिखना कि इसको हल करने के लिए हम क्या मान रहे हैं, उपरोक्त समीकरण को हल करने के लिए माना अल्फा इक्वल टू
एट एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू टू एम के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमारे जो कांस्टेंट हैं इनसे हमें आगे हम क्या निकालेंगे, एनर्जी आइगन वैल्यूज को निकालेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले रेडियल पार्ट को सोल्व करके साई की वैल्यूज हम निकालेंगे, जिस प्रकार हमने वाई थीटा फाई के मान निकाले थे वैसे ही पहले रेडियल पार्ट को सोल्व करके आर के मान निकालेंगे। यहां पर भी हमारे पास में पॉलिनोमियल की फॉर्म बनेगी, तो आर के मान को ज्ञात करके फिर उसके बाद में साई के अंदर आर और वाई थीटा फाई के मान रख करके कंप्लीट सॉल्यूशन निकालकर हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शंस को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमारे पास में अल्फा और लैम्डा को हमने मान लिया, अल्फा और लैम्डा साथ में हम एक वेरिएबल को लेते हैं तथा माना रो इक्वल टू अल्फा आर, ये एक चर है अपने पास में, एक नया वेरिएबल डिफाइन किया है रो इक्वल टू अल्फा आर। तो अब जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं रो की फॉर्म में चेंज करते हैं, यहां पर ये आर की फॉर्म में है, तो अब हम इसे रो वेरिएबल डिपेंडेंट उसमें इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यहां से हमें क्या चाहिए होगा, एक तो डेल आर अपॉन डेल आर की वैल्यू और डेल टू आर अपॉन डेल आर टू की वैल्यू, तो उन दोनों की वैल्यू हम निकालते हैं और फिर इस इक्वेशन के अंदर सारे जो भी हमने माने हैं वो सारे हम इसमें सेकंड के अंदर रखेंगे, ठीक है, इसको लिख लो। अब जो हमारा रो इक्वल टू अल्फा आर है, अब इस रो इक्वल टू अल्फा आर को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल आर अपॉन डेल आर को, तो ये क्या बन जाएगा, डेल आर अपॉन डेल आर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल रो डॉट डेल रो अपॉन डेल आर, ये लिख सकते हैं। अब रो जो है वो आर का फंक्शन है तो हम डेल रो अपॉन डेल आर निकाल सकते हैं, तो ये अपने पास में आएगा डेल आर अपॉन डेल रो, ये क्या आ जाएगा, ये डेल आर अपॉन डेल रो तो ऐसे कैसे रहेगा, और डेल रो अपॉन डेल आर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी अल्फा और डेल आर अपॉन डेल रो, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आ गई अपने पास में, दूसरी हमें क्या निकालनी है, डेल टू आर अपॉन डेल आर टू निकालनी है, ये रो इक्वल टू अल्फा आर है, इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो बाय अल्फा, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या निकालते हैं, और वन बाय आर की हमको जरूरत पड़ेगी, तो वन बाय आर क्या बन जाएगा, अल्फा अपॉन रो, ठीक है, वन बाय आर अल्फा अपॉन रो होगा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं अल्फा डेल आर अपॉन डेल रो और डेल टू आर अपॉन डेल आर टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल आर अपॉन डेल आर, और ये बन जाएगा डेल आर अपॉन डेल आर डेल अपॉन डेल आर, और ये जो डेल आर अपॉन डेल आर है इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा डेल आर अपॉन डेल रो है, तो रख दें इसके अंदर डेल आर अपॉन डेल रो, और यहां से हम जो हमारे पास में डेल बाय डेल आर अल्फा डेल आर अपॉन डेल रो आ रहा है, तो आर और रो दोनों वेरिएबल्स यहां पर आंशिक अवकलन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, आर और रो को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा डेल बाय डेल रो अल्फा डेल आर अपॉन डेल आर, और ये बन गया डेल अपॉन डेल रो
अल्फा डॉट अल्फा डेल आर अपॉन डेल रो, और ये बन गया अल्फा स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो टू। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया कंप्लीट। अब हमारे पास में आर की वैल्यू भी है, डेल आर बाय डेल आर की वैल्यू है, डेल टू आर अपॉन डेल आर टू की वैल्यू आ गई, यहां पर भी सारी वैल्यूज हैं, तो हम इसको समीकरण दो में मान रख देते हैं सारे के सारे। तो आप लोग तो इस इक्वेशन को दोबारा मत लिखना, मैं इसे नहीं मिटा रही हूं अभी। हम लिखते हैं समीकरण दो में मान रखने पर, समीकरण दो के अंदर अपन जब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, वन अपॉन आर स्क्वायर। तो वन अपॉन आर स्क्वायर क्या बनेगा, आर इक्वल टू क्या था, रो इक्वल टू था अल्फा आर, और आर इक्वल टू क्या था, रो अपॉन अल्फा। तो ये बन गया रो स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ये वन अपॉन आर स्क्वायर है, तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान क्या होगा, रो स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और डेल टू अपॉन डेल आर टू का मान, डेल टू अपॉन डेल आर टू का मान अल्फा स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो टू प्लस टू आर डेल आर अपॉन डेल आर, डेल आर अपॉन डेल आर का मान अल्फा डेल आर अपॉन डेल रो प्लस माइनस का टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस का टू एम के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और आर की जगह क्या आ जाएगा, रो अपॉन अल्फा, फिर से माइनस का एल इंटू एल प्लस वन, आर स्क्वायर की जगह रो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। अब जो हमारी इक्वेशन है इसमें अल्फा क्या था, 8 एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर था, तो हम इसको 8 एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, और लैम्डा के अंदर क्या था, 2 एम के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा था, तो हम अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम उसके अंदर अल्फा और लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं फिर। तो यहां तक हमारे पास में हो गया, तो इसको लिख लो एक बार, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। आगे हम इसको लिखें, हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, रो स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, रो स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो टू प्लस टू आर और यहां पर आर का मान भी हम रखें तो आर क्या हो जाएगा, रो बाय अल्फा, और एक अल्फा अपने पास में यहां पर है तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये बन गया टू रो। यहां पर आ जाएगा माइनस का वन बाय फोर
और 8ME अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस 2MKE स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2MKE स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा और ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन रो माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अपनी इक्वेशन आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम अंदर और यहां पर हम वैल्यू रख दें, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर डेल टू आर अपॉन डेल रो टू प्लस का टू रो से एक रो से एक रो कैंसिल तो टू अल्फा स्क्वायर अपॉन रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस माइनस का वन बाय फोर एट एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस का वन बाय फोर अल्फा स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन अल्फा लैम्डा अल्फा स्क्वायर अपॉन रो माइनस का एल इंटू एल प्लस वन अल्फा स्क्वायर रो स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर जो है वो कंप्लीट इक्वेशन में कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा डेल टू आर अपॉन डेल रो टू प्लस टू अपॉन रो डेल आर अपॉन डेल रो प्लस माइनस का अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर, तो अल्फा को हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का वन बाय फोर प्लस लैम्डा अपॉन रो सॉरी तो लैम्डा अपॉन रो माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। तो यहां पर चाहे तो हम आर रख लें या हम एक नया फंक्शन एस रो डिफाइन कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा डेल टू एस रो अपॉन डेल रो टू प्लस टू बाय रो डेल एस रो अपॉन डेल रो प्लस माइनस का वन बाय फोर प्लस का लैम्डा बाय रो माइनस का एल इंटू एल प्लस वन अपॉन रो स्क्वायर जीरो। ठीक है, या फिर चाहे तो इसको हम रो की फॉर्म में आर रो लिख सकते हैं जहां पर हमारे पास में आर रो और ये क्या हो जाएगा, रो का मान क्या अल्फा आर है तो R का मान क्या हो जाएगा, रो बाय अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन आ गई रो के अंदर। ठीक है, तो यहां तक लिखें इक्वेशन नंबर थ्री। और इसको हम लिख सकते हैं डेल टू अपॉन डेल रो टू प्लस टू बाय रो डेल बाय डेल रो माइनस का वन बाय फोर प्लस का लैम्डा बाय रो माइनस का एल इंटू एल प्लस वन
डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो ये इक्वेशन आ रही है अपनी इक्वेशन नंबर 4, इसके हम उपगामी हल ज्ञात करते हैं। उपगामी हल कौन से, रो टेंस टू जीरो और रो टेंस टू इंफिनिटी के अंदर हम इसके हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिखते हैं उपरोक्त समीकरण के उपगामी हल ज्ञात करते हैं, अर्थात रो टेंस टू जीरो तथा रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हल करते हैं ठीक है। तो यहां से अपने पास में ये क्या आ जाएगा, रो टेंस टू जीरो और रो टेंस टू इन्फिनिटी, तो पहले हम निकाल रहे हैं रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए, तो रो टेंस टू इन्फिनिटी पर इस इक्वेशन का क्या होगा अपने पास में, डेल टू आर रो अपॉन डेल रो टू प्लस टू बाय रो, रो टेंस टू इन्फिनिटी पर हम ज्ञात कर रहे हैं, तो टू बाय रो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये जीरो बन जाएगा, टू बाय इन्फिनिटी आ रहा है तो इसको हम हटा देंगे। फिर इसके बाद में माइनस का 1/4, तो माइनस 1/4 आ जाएगा। इसके बाद में अपने पास में लेमडा बाय रो है, तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, लेमडा बाय इन्फिनिटी बन जाएगा। उसके बाद में एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, इसके अंदर भी ये इन्फिनिटी बनेगा, तो ये सारी वैल्यू हट जाएंगी, सिर्फ माइनस का 1/4 आर रो अपने पास में आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या, पहले हम क्या लिख लेंगे इसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन, और फिर इसके सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, डेल टू आर रो अपॉन डेल रो टू माइनस का 1/4 आर रो इक्वल टू जीरो है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम इसकी लिखें तो क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास में क्या इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर माइनस का 1/4 आर रो है, और इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू जीरो। तो एम इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 1/2, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आर रो इक्वल टू एई की पावर प्लस का रो बाय टू प्लस बीई की पावर माइनस का रो बाय टू। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आ गई अपने पास में, इसका सॉल्यूशन आ गया। किस में निकाल रहे हम लोग, रो टेंस टू इन्फिनिटी के लिए निकाल रहे हैं, तो रो टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारे पास में ये सॉल्यूशन आया है, तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, क्या ये वेल डिफाइंड वेव फंक्शन है। ठीक है, तो ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, यहां तक लिखे इसे, यहां तक तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 में
प्रथम पद समीकरण चार में आर रो के हल में प्रथम पद में रो टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर आर रो का मान अनंत हो जाएगा ठीक है। और हमारे जो वेव फंक्शन होते हैं उनका मान इनफाइनाइट बाउंड्रीज पर क्या हो जानी चाहिए, वो वेनिस हो जानी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पर आर रो का जो मान है अगर हम रो टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो इस वाली टर्म की वजह से क्या हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। तो ये टर्म वैलिड नहीं रहेगी, सिर्फ हमें क्या लेना है इसको बी की पावर माइनस का रो बाय टू इसी सोल्यूशन को लेंगे। ए कॉन्स्टेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन में क्या रखेंगे, आर रो का मान रखेंगे ठीक है। आर रो का ये वाला मान रखेंगे बी की पावर माइनस का रो बाय टू। तो यहां से हम लिख देंगे रो का मान अनंत हो जाएगा, अतः आर रो इक्वल टू बी की पावर माइनस का रो बाय टू ठीक है। ये इसका क्या आ गया, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है। अब हम इसका सामान्य हल अगर लिखना चाहें तो हमें एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सोल्व कर रहे थे तो वहां पर हमने अनंत स्पर्शी हलों को लिखा था ठीक है, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन थे वो भी। तो वहां पर हमें क्या मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए या सामान्य हल उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक नए फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां से यहां पर हमने किसको डिफाइन किया था, हर्माइट बहुपद को ठीक है। यहां पर भी हम एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद में हमें क्या मिलते हैं, लागे बहुपद मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण का सामान्य हल निम्न प्रकार होगा, आर रो इक्वल टू ई की पावर माइनस का रो बाय टू एफ रो ठीक है। और इस फंक्शन का मान इस प्रकार होता है कि जब हम रो टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं तो हमारे पास में आर रो इक्वल टू बी ई की पावर माइनस का रो बाय टू हमें मिल जाता है ठीक है। तो यहां पर एफ रो जो है हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है और इसको सोल्व करके किसमें वैल्यू रखते हैं, आर रो को हम इसके अंदर चेंज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। जिस प्रकार हमारी डेल टू आर अपॉन डेल रो टू ठीक है प्लस का टू बाय रो डेल आर अपॉन डेल रो, ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर हम अब एफ रो की फॉर्म में लिखेंगे इसको ठीक है। यहां तक लिख लें, ठीक है यहां तक हो गया। तो इसके लिए हम लिख लेंगे कि आर रो इक्वल टू की पावर माइनस रो बाय टू एफ रो है, तो हम लिखेंगे जहां एफ रो ऐसा फलन है जब रो का मान ऐसा फलन है जिससे जब रो का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है
समीकरण पांच का समानयन आर रो इक्वल टू बीई की पावर माइनस रो बाय टू में हो जाए। ठीक है, तो अब यहां तक अपने पास में इक्वेशन नंबर फाइव आ गई। अब एफ रो को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे आर रो का। तो ये हमारे जो रेडियल पार्ट को हम सॉल्व कर रहे थे, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एफ रो की फॉर्म में इक्वेशन लिख करके और आर रो का मान निकालेंगे, रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में जो हमारी साई एन एल एम इक्वेशन है उसके अंदर हम आर और वाई के मान रख करके हाइड्रोजन एटम के कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट वेव फंक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, अभी तक यहां तक कर लें।